नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज के खास खबरों की ओर। यूपी के कानपुर में प्रेमिका के शादी से इनकार करने पर युवक ने मौत को गले लगा लिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। कानपुर में गोविंदनगर कच्ची बस्ती इलाके में प्रेमिका के शादी से इनकार कर देने से आहत प्रेमी डी फार्मा के छात्र ने रविवार सुबह फंदा लगाकर जान दे दी। छात्र के परिजन कुछ दिन पहले कोलकाता गए थे। दोपहर को दोस्त के घर पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। गोविंदनगर निवासी आशुतोष मंडल बंगाली डॉक्टर हैं। परिवार में पत्नी अनन्या के अलावा बड़ा बेटा जिसकी उम्र 26 वर्ष है और छोटा बेटा अर्गव थे। कोलकाता से स्नातक आकाश रामा डेंटल कॉलेज से डी फार्मा का छात्र है। कोलकाता में रहने के दौरान आकाश की युवती से प्रेम संबंध हो गए। परिजनों के अनुसार पिछले 7 सालों में आकाश उस युवती के संपर्क में था। जब उसने शादी का प्रस्ताव रखा तो युवती ने मना कर दिया। इससे वह तनाव में चल रहा था। आकाश के दोस्त सुमित ने बताया कि रविवार सुबह 11:30 बजे आकाश को खाना देने कमरे में पहुंचा तो उसका शव पंखे के सहारे फंदे से लटका पाया। सुमित ने परिजनों व पुलिस को इसकी सूचना दी। गोविंदनगर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।